92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कई बार मंत्र ऐसे सटीक जाके लगते हैं उस दिशा को जहां के लिए आपने मंत्र पढ़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते वो चीज बिल्कुल ठीक हो जाती है। साहस तो कीजिए मंत्र बोलने का, साहस तो कीजिए एकांत में अपने प्रभु के साथ बैठने का, साहस तो कीजिए कुसंगति छोड़ने का, साहस तो कीजिए अपने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को कंट्रोल में रखने का। आप बैठिए अभी एकाग्रचित्त होकर अपने प्रभु के साथ, कृष्ण के साथ। मैं कामिनी खन्ना 22/3/2017 बुधवार के दिन आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। हर सहर को ये अच्छा बनाने के लिए आता है, हम सबको एक नया जीवन एक नई ऊर्जा दिलाने के लिए आता है। चंद्र धनु राशि में रात 8:34 तक है, फिर मकर में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, दोपहर 2:06 तक शुक्र अस्त हो जाएंगे आज। और शुक्र के अस्त होने से क्या क्या असर होगा मेष से लेके मीन राशि तक वालों पर, ये मैं बताऊंगी। ये बात बड़ी खुशी की है कि इस बार शुक्र जो अस्त होंगे 22 तारीख को, वो उदय भी 26 तारीख को हो जाएंगे, तो आपकी जो शादियां या कोई शुभ कार्य हैं वो सब आप कर सकते हैं। आज के मुहूर्त सुबह 6:44 से लेकर सुबह 8:15 तक है लाभ, सुबह 8:15 से लेकर सुबह 9:45 तक है अमृत, सुबह 11:15 से लेकर दोपहर 12:45 तक है शुभ, और शाम 5:16 से लेकर शाम 6:46 तक है लाभ। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य, शुक्र अस्त होने पर हालचाल बताऊंगी आपको मैं। नारायणों हरि बोल के अगर घर से बाहर पैर निकालो तो कहते हैं कि सारे काम बन जाते हैं। नारायण नारायण बोल के पूरी जिंदगी नारद ने काटी, आप सुनते होंगे धार्मिक पिक्चरों में। आइए उस हरि का, उस विष्णु भगवान का जो पालन करता है, थोड़ा सा भजन मनन कीर्तन करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर ही झेल लेता है वो दूसरों के क्रोध से बच जाता है। कितना अच्छा थॉट है। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ एकदम शांत होकर चाहती हूँ आप भी सब शांत होकर रिलैक्स होकर ये शो सुने, अपने सुबह के कार्यकलाप करें ताकि आपका दिन जो है आपके गात्र नसें धमनियाँ सब शांत रहें और सारे काम बन जाए आपके। मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य सुनेंगे आप, शुक्र अस्त हो गए इस अंदाज में। मेष राशि, द्वादश में बैठे थे शुक्र सूर्य के साथ और हो गए वो अस्त आज के दिन 22 तारीख के दिन। शुक्र आपके सप्तम के स्वामी और द्वितीय के स्वामी, तो आपके परिवार में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, उनकी तबीयत संभालनी है आपको, या आपके जो परिणय संबंध अपनी पत्नी या स्पाउस के साथ उसमें थोड़ी बेचैनी आ सकती है, या उनके स्वभाव में थोड़ी बेकली हो सकती है, तो उनका ध्यान रखिए, माता की पूजा करिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लग्न का स्वामी शुक्र अस्त होता है जब, तो वो बड़े बेचैन होते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है। इस सब से निजात पाने के लिए इनको महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, और इनके थोड़े शत्रु जो विरोधी जो हैं वो उद्यत हो जाएंगे, वो इनको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। कर्ज और लोन ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए शुक्र आपके द्वादश और आपके पंचम के स्वामी हैं, तो पहले 2-3 दिन ये द्वादश का फल देंगे, तो हो सकता है आपका किसी से झगड़ा हो या आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ आए, हो सकता है आपको विदेश यात्रा कैंसिल करनी पड़े। मेरा कहना ये है कि आप चुप रहें 2-4 दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपने मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, क्योंकि पंचमेश भी हैं शुक्र, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, आपके बच्चों के साथ बिगड़ सकती है, उनका भी ध्यान रखें,
उनकी भी तबीयत का ध्यान रखें। कर्क राशि। चतुर्थेश और लाभेश हैं आपके शुक्र, जिसकी वजह से आपकी माता की तबीयत थोड़ी अस्वस्थ रह सकती है, उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना है और आपका लाभ थोड़ा कम हो सकता है। जो आपको माता से भी लाभ होता है उसमें भी कमी आ सकती है। आपको पैतृक संपत्ति के लिए अगर कोई कोर्ट केस है तो अभी 26 तारीख तक नहीं लड़ना है और फिलहाल आप अपने भाग्य में जो परेशानियां आ रही हैं उसको शांति से झेलिए। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्र आपके दशमेश और आपके पराक्रमेश होते हैं, तो पराक्रम यानी कि लेजी हो सकते हैं आप, थोड़ा आपके छोटे भाई बहनों से अनबन हो सकती है, आपके पिता से अनबन हो सकती है या उनके स्वास्थ्य का, दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कर्म क्षेत्र अगर थोड़े दिनों के लिए ठंडा रहता है कोई बात नहीं, आप रिलैक्स कीजिए। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र जो है वो द्वितीयेश हैं और साथ में वो भाग्येश भी हैं। हो सकता है आपको लगे कि मेरा काम ही रुक गया, मेरे पैसे ही नहीं आ रहे, मेरे परिवार वाले साथ नहीं दे रहे इस चीज़ में, तो ऐसी कोई बात नहीं है, 26 तारीख के बाद सब ठीक हो जाएगा और शुक्र जैसे ही मार्गी हो जाएंगे वैसे ही आप सबको और भी राहत होगी। तो बेचैनी खत्म कीजिए अभी फिलहाल, माता की काली माँ की पूजा कर सकते हैं आप। मैं कामिनी खन्ना में इससे लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य बता रही थी शुक्रस्त के अंदाज में, आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आप सभी को तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। कृष्ण नाम का प्याला और हरे कृष्ण की माला जप के मतवाला हो जाता है इंसान। सुनिए न भजन कितना अच्छा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। प्रतिभा अपनी राह स्वयं निर्धारित कर लेती है और अपना दीप स्वयं ले चलती है। अभी प्रतिभा कोई औरत नहीं, प्रतिभा आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो गुण है उसकी बात कर रही हूँ मैं। मैं कामिनी खन्ना आपको आपकी राह निर्धारित करने का एक मार्ग दिखाते हुए और आपका दीप जो है मन का दीप, आपके कर्मों का दीप जलाते हुए आपको सुबह सुबह देती हूँ बधाइयाँ। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आज का दिन आपको बहुत अच्छा जाए, शुभ जाए, ऐसी मेरी मनोकामना। आइए जानते हैं तुला से लेके मीन राशि तक वालों का राशि भविष्य। शुक्र अस्त हो गए हैं उस अंदाज में। तुला राशि। तुला राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी शुक्र जो हैं वो अस्त हो गए और आपके अष्टमेश भी बने वो, तो आपकी थोड़ी तबीयत नासाज हो सकती है। डॉक्टरी सलाह आप लेते रहिए और अगर आपकी बनती नहीं है आपके पार्टनर या स्पाउस से तो उनसे बेचैनी और फैलाए नहीं, 26 तारीख तक की बात है, थोड़ा सा चुप रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि। द्वादशेश व सप्तमेश हो गए शुक्र आपके और सप्तमेश होने के कारण आपके जो स्पाउस हैं या पार्टनर हैं या पत्नी हैं उनसे थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, हो सकता है आपके काम धंधे में थोड़ी रुकावट आए, वो हो सकता है कि आपके फॉरेन रिलेटेड बिजनेस में थोड़ी रुकावट आए, प्रेम संबंधों में थोड़ी रुकावट आए, अपने को 3-4 दिन काटने हैं शांति से, इस पर ध्यान रखिए आप। धनुराशि। धनुराशि के लिए लाभ का स्वामी और षष्ठेश हैं शुक्र, तो विरोधी आपके बढ़ सकते हैं, हो सकता है आपके मामा पक्ष के लोग आप पर कोई बात कसें या कहें जिनसे आपको बेचैनी हो, मत लीजिए आप इन दिनों लोन या कर्जा, या ना दीजिए भी आप कर्जा, हो सकता है पैसों की कमी आपको महसूस हो, स्थिति से बचने के लिए आप कीजिए महालक्ष्मी की आराधना गुरुवार के दिन। मकर राशि। मकर राशि के लिए शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, आपके दशमेश हैं और आपके पंचमेश हैं, तो हो सकता है आपका माइंड परेशान हो और काम में आपको थोड़ी बेचैनी हो, ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों के लिए भी आपको टेंशन हो जाए, हो सकता है कि आपको कार्यस्थल पर लोगों की बात अच्छी ना लगे, बात बिगड़े, लेकिन 4-5 दिन हैं, शांति से बिताइए, सब अच्छा हो जाएगा, बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, काम भी अच्छा हो जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपके चतुर्थेश और आपके भाग्य शायद शुक्र, तो आपकी माता की तबीयत थोड़ी नासाज हो सकती है, आपके जो काम करने वाले हेल्पर्स हैं वो आपका साथ नहीं देंगे थोड़े दिन, थोड़ा शांति से काट लीजिए, और आपके वाहन संबंधी कोई डिसीजंस हैं तो भी मत लीजिए, आपके कर्म संबंधी भी कोई डिसीजंस हैं तो टाले रखिए, ये दिन भी बीत जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके अष्टमेश और आपके पराक्रमेश हैं शुक्र, तो थोड़ा सा लेजी फील करेंगे आप, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आप बहुत भागते दौड़ते हैं इधर उधर, और साथ में आपके छोटे भाई बहनों से जो आपका मन मुटाव है वो शायद तेज हो सकता है, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, क्योंकि इन दिनों आप अपने पार्टनर से उलझ कर भी अपनी तबीयत खराब कर बैठे हैं, आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी तबीयत खराब हो। मैं कामिनी खन्ना मेष से लेके मीन राशि तक का हाल बता रही थी शुक्रस्त हो गए इस विषय को लेकर, आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल टिप, तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।
मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, जब वृंदावन में कोई भी जाता है तो मेरे लिए प्रसाद जरूर लाता है। जब वृंदावन में कोई मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वहाँ से लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि देखिए हम यहाँ खड़े हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। धन्य धन्य मेरा जीवन कि मैं वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन अपने सूक्ष्म नेत्रों से करती हूँ। आइए उसी बांके बिहारी, उसी शाम का स्तवन करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। मानव के अंदर जो कुछ सर्वोत्तम है उसका जो विकास है वो प्रशंसा तथा प्रोत्साहन द्वारा किया जा सकता है। मतलब अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए, उसको बोलिए कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, उसकी तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ भी तो बहुत ज़रूरी होती है, मन बढ़ता है उससे। और तारीफ़ खाली चाटुकारिता नहीं होती, तारीफ़ कभी कभी बहुत सारे काम कर जाती है। मैं कामिनी खन्ना आपकी तारीफ़ करते हुए, मेरे प्यारे, मेरे भोले, मेरे समझदार, मेरे सुंदर श्रोता, कैसे हैं आप लोग? सहर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी बस अभी एस्ट्रोलॉजिकल टिप बताती हूँ आप सबको ब्राह्मी के विषय में। अब ब्राह्मी जो है ये कई तरह से काम आती है, ब्राह्मी खाई भी जाती है, ब्राह्मी लगाई भी जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्राह्मी जो है ये जब सूख जाती है तो ये काम कर रही होती बुध का, वैसे भी बुध तत्व है ये, और चमड़ी को ठीक करती है और स्नायुओं को ठीक करती है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें ये काम आती है। इसी ब्राह्मी को, खुज्जे को, इसके तेल बनते हैं। इसी ब्राह्मी को अगर आप शिक्का काई के साथ बॉईल कर लें एक गिलास पानी में थोड़ी सी लेकर, और उस पानी को छान कर नहाने के समय अपने बालों में लगाएं तो आपके बाल स्वस्थ और सुंदर और टिकाऊ हो जाएंगे। ये था बालों के लिए आपके एक और गुण ब्राह्मी का। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। आज आपने जाना ब्राह्मी के बारे में। मैं आगे भी आपको कई सारी जानकारियाँ दूंगी, नई नई बातों की, आपकी दिनचर्या की, वास्तु की, और न जाने कितने कितने टिप्स आपको बताऊंगी जिससे आपका जो ये जीवन एकदम सुखकर हो जाए। आशीर्वाद प्रार्थी हूँ, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। आज बुधवार है, बुध को सिद्ध कीजिए श्री कृष्ण की आरती सुनकर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।